हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2023 में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है बीएससी मैथ का, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। जैसा कि आपको पता है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, जिसमें से 30-30 क्वेश्चन जो रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा, बाकी 10 जो रहेगा जीएस का क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो 30 नंबर आपके 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, 30 केमिस्ट्री के और 30 मैथ के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, और बाकी 10 जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस पे आएगा। ठीक, और जो पूरा आपका टोटल पेपर है वो कितने का होगा, 200 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन पे क्या होगा, 2 नंबर मिलेगा सही होने पे। ठीक, तो कम से कम आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो 150 प्लस नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ही आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 150 प्लस नंबर तो लाना पड़ेगा ही। ओके, सो आप अब अपने तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म का जो डेट है उसको 15 जून तक कर दिया गया है, इसलिए अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 15 जून के बाद ही होगा। 15 जून क्या, आप मान के चलिए 20 जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला, तो अभी भी आपके पास 17-18 दिन का टाइम है, तो ये टाइम आप पूरे तरीके से एकदम अच्छे से यूटिलाइज करिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका DDU में क्वालिफाई हो जाए। चाहे आप BTEC करना चाहते हो, चाहे आप BSc PCM ग्रुप से, चाहे फिजिक्स मैथ इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप से, चाहे फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस ग्रुप से, चाहे फिजिक्स मैथ और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ग्रुप से, जिस ग्रुप से आप करना चाहते हो उस ग्रुप के लिए ये जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक, आपके पास डिफरेंट ग्रुप हैं, एक बार मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, आपको या तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक, दूसरा जो ग्रुप आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिजिक्स मैथ और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। ठीक, फिर जो तीसरा ग्रुप आपको मिलेगा वहाँ पे फिजिक्स मैथ और क्या मिलेगा, CS मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा। और चौथा जो ऑप्शन आपके पास है वो क्या है, फिजिक्स मैथ और IC का है, IC मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है। इन चारों ग्रुप का जो पेपर होता है एक ही कॉमन पेपर होगा, जो BSc मैथ के नाम से होता है। ठीक, तो आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे अगर नंबर अच्छा रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड होते हैं। कभी कभी क्या होता है, नंबर कम रहता है तो आप ना चाहते हुए भी जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है वो सब्जेक्ट लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आपका क्या है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब चीज़ों में सीट काफ़ी तेज़ी से भरता है। सो लास्ट में आपको ऑप्शन बचता है CS का या IC का, तो इसी में आपको जाके एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक, तो इस वजह से कोशिश करिए कि आपका नंबर अच्छा है। ओके, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसको अच्छे से देखिए, अगर कहीं पे डाउट होता हो तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे इसको आकर ज़रूर पूछिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों में डाला हूँ, वहाँ से आप आके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें और अच्छे नंबर से एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई हो सके। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो पे तो और भी अच्छे अच्छे MCQ आपको कराए जाएंगे। ओके, अब डिसाइड करेगा आज का वीडियो ये कैसा आपका रिस्पांस है। अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, तो मैं नया नया लेक्चर आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, और अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैथ के भी MCQ आपको जल्द से जल्द कराए जाएंगे। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट फुल स्टॉप इफ द डी ब्रॉग्ली वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10^-2 नैनोमीटर कामा वाट विल बी इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, हम लोग जो टॉपिक उठाए हैं डी ब्रॉग्ली वेव लेंथ का टॉपिक है, चैप्टर का नाम आप पढ़े होंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसी चैप्टर का हम लोग क्या किया MCQ उठाए हैं। ठीक, तो जो इसका फर्स्ट MCQ कर रहा है कि अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस है और लेमडा का वैल्यू दिया है, ये देखिए लेमडा का वैल्यू दिया है और भी कर रहा पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो भी का वैल्यू आप बताइए, भी का वैल्यू क्या होगा इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग में जरूर नोट करिएगा, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो जितने फॉर्मूले दिए गए हैं, खास करके आप एनसीईआरटी बुक जरूर फॉलो करिएगा और जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं उनको एक पेज पे लिख लीजिएगा, उसके बाद तब एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करिएगा। ओके, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ के जितने रिलेशन हैं काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ में, मोमेंटम वेवलेंथ में, पोटेंशियल डिफरेंस वेवलेंथ में, ये जितने भी रिलेशन हैं इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा, इस पर एमसीक्यू अच्छा खासा आ सकता है। ठीक, पिछले कुछ वर्षों में इस पर एमसीक्यू आए भी हैं, तो इस वजह से आप इन एमसीक्यू को अच्छे से पढ़िए और जितने डी ब्रॉग्ली रिलेशन हैं उनको अच्छे से ज़रूर तैयार करिए। चूँकि आप सीयूटी वगैरह तमाम सारे आईटीजेई वगैरह का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको फॉर्मूले अच्छे से तैयार होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है। जब फार्मूला पढ़े होंगे, डायरेक्ट मैं रिलेशन बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप पढ़े होंगे लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी, और ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो अब देखिए नैनोमीटर का बात क्या है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.227 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी, ये क्या हो गया आपका नैनोमीटर में हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या किए, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिए। एक एंगस्ट्रॉम में 10^-1 नैनोमीटर होगा, तो 10^-1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.227 डिवाइडेड बाई अंडर रूट भी इन नैनोमीटर। ठीक, इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिखता हूँ, नैनोमीटर के टर्म में जो लैम्डा आएगा 1.227 डिवाइडेड बाई अंडर रूट भी नैनोमीटर। क्लियर है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमको भी का वैल्यू निकालना है, तो भी को टांग के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अंडर रूट भी लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 1.227 बाई लैम्डा। अब चूंकि भी के वैल्यू को सॉल्व करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो भी का स्क्वायर रूट हटेगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये किस में आएगा आपका, नैनोमीटर केस में हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, तब कोई डाटा चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.227 का वैल्यू यहाँ से ला के रख देंगे। ठीक, लैम्डा का वैल्यू जो दिया है, तो जब आप इसको रख के सॉल्व करिएगा तो 10^4 वोल्ट आपका आंसर आएगा। ठीक, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 10^4 वोल्ट आएगा। ओके, उम्मीद है आप सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछिए, आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर उसका सलूशन निश्चित रूप से प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। ओके, इट्स डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ इज नियरली, कह रहा है कि हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ ताकि जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के विद्यार्थी देख रहे हों उनको दिक्कत ना हो, इसलिए हिंदी में भी क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेट हो रहा, त्वरित हो रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, जिसका वैल्यू क्या है, 10,000 वोल्ट है। और कह रहा कि जो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ है, डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य है, वो क्या होगा, पूछ रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये वैल्यू आपको दिया गया, तो देखिए आप पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो यहां से आप 12.27 ठीक अपान अंडर रूट भी करके पढ़े ना, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, जिसके वैल्यू को ला कर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, और फिर उसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा।
ऐसा तमाम क्वेश्चन आप लगाए होंगे, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज फालतू में वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक, बस इसी फॉर्म ने मिला कि आपको वैल्यू को क्या करना है, सब्सिट्यूट कर देना है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। इसके अलावा भी जितने डी ब्रॉग्ली रिलेशन है उसको आप जरूर अपने दिमाग में याद रखिएगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसका वर्क फंक्शन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन काज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंसेज। अब कह रहा कि वो बड़ा से बड़ा तरंग दैर्ध्य बताइए जिस जो क्या कर सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करा सकता है। ठीक, तो देखिए आप पढ़े ना, फाइ इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, एच न्यू नॉट करके होता है ना। अब इसी एच न्यू नॉट क्या होता है, न्यू नॉट जो होता है मिनिमम फ्रिक्वेंसी होता है, लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए वेवलेंथ के टर्म में तो लेमडा नॉट जो होता है आपका क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। ये सब चीज़ तो आप अच्छे से पढ़े हैं। अब यही लेमडा नॉट का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, लेमडा नॉट को ऊपर लेके चले जाइएगा और फाई को नीचे लेके चले जाएगा। फाई का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻³⁴, और सी का वैल्यू पता है 3 × 10⁸। जब इसमें रख के आप इस वैल्यू को सब्सिट्यूट करके सॉल्व करिएगा तो देखिएगा इसका वैल्यू जो आएगा आपका, सॉल्व करने पे जो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 310 नैनोमीटर मिलेगा। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन है, 1-2 मिनट लगेगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एग्जाम में भी जो आपको बुकलेट मिलेगा उससे पीछे रफ वर्क के लिए 1-2 पेज जगह रहेगा, वहाँ आप इसको कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेसेस। तो देखिए आपको पता है कि जो फोटॉन मोमेंटम कैरी करता है उसका वैल्यू क्या होता है, ई बाई सी के बराबर होता है। ठीक, ई बाई सी क्या होता है, जो फोटॉन एक सिंगल फोटॉन जो मोमेंटम कैरी करता है उसका वैल्यू ई बाई सी होता है। जब ये हिट करेगा और फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, वेन अ फोटॉन हिट्स अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट रिफ्लेक्ट बैक इन अपोजिट डायरेक्शन। जब इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर क्या करेगा, वापस जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे आ रहा था फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो एंड गोज विथ सेम एनर्जी, तो उसी एनर्जी के साथ क्या जाएगा, वापस जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम की बात अगर की जाए तो ई बाई सी था, ई बाई सी उसका था, उससे इंसिडेंट हो रहा था, फिर माइनस ऑफ माइनस ई बाई सी। ठीक, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो चेंज इन क्या होगा, ई बाई सी नीचे आ रहा था फिर अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई सी कर देंगे, और चेंज निकालना है तो फाइनल इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, तो माइनस साइन लगा दिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 times E/C आएगा। ठीक, क्या आएगा, 2 times E/C। इट मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, 2 times E/C आएगा, इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ। तो देखिए आप पढ़े हैं P=h/λ, ये रिलेशन आप पढ़ रखे हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो P और लेमडा दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यस, तो आपका क्या प्लैंक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जब लेमडा बढ़ेगा तो P क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इनवर्सली मतलब क्या, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। मतलब लेमडा अगर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा बढ़ेगा तो पी घटेगा, और लेमडा घटेगा तो पी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए पी और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज़ बता रहे हैं कि जिस टाइम लेमडा अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा उस टाइम पी अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा, और जिस टाइम लेमडा अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा उस टाइम पी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो इस रिलेशन को देखने पर हम लोग को बी और सॉरी यहाँ अगर ऑप्शन देखा जाए सेकेंड एंड थर्ड के टर्म में, तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन कुछ अच्छा लग रहा, मतलब इसके संदर्भ में देखा जाए, इसके रेफरेंस देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड जो है इस रिलेशन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता हुआ नज़र आ रहा है।
क्योंकि देखिए सेकेंड में भी क्या है, जैसे जैसे लेमडा बढ़ रहा है पी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पी आपका वाई एक्सेस पे है। तो जब हम यहाँ नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वाई एक्सेस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। और देखिए और एक्स एक्सेस में लेमडा है तो इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, लेमडा बढ़ रहा है। और थर्ड नंबर ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर ऑप्शन में भी लेमडा देखिए क्या हो रहा है, एक्स एक्सेस पर जैसे जैसे हम दाएं साइड चलेंगे राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो लेमडा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन पी का वैल्यू देखिए डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर लिए कि सेकेंड और थर्ड में से एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो ये वेरिएशन होता है ये लिनियरली ना होके आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में होता है। अगर इस चीज़ को आप समझना चाहें तो डी पी बाई डी लेमडा करके एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच बाई लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होता रहा है, निगेटिव स्लोप बता रहा है और लेमडा स्क्वायर देखिए क्या हो रहा है, एक हाइपरबोला के टर्म में आ रहा है। ठीक, ये डिटेल में आप क्लास में पढ़ेंगे, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि इसका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टर्म में क्या होगा, वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन होगा। कैसे पता चला, हम लोग उसको क्या किए, मोमेंटम को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो डिफ्रेंशिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए वैल्यू आया या माइनस दे रहा है, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं निगेटिव स्लोप है। ठीक, देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स द इट्स प्रीवियस वैल्यू द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। कह रहा कि कोई एक पार्टिकल है जिसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे रहे हैं, जो उसका पहले काइनेटिक एनर्जी था उसका 16 गुना कर दे रहे हैं, 16 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा उस पार्टिकल के वेवलेंथ में। ठीक, तो आप पढ़े हैं डी ब्रॉग्ली रिलेशन, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या पढ़े होंगे, एच अपान अंडर रूट 2 ME, एच अपान अंडर रूट 2 ME, जहाँ पे ई क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी है, एम क्या है मास ऑफ द पार्टिकल, और एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, और लेमडा क्या आपका वेवलेंथ है। तो यहाँ से अगर रिलेशन देखा जाए तो लेमडा स्क्वायर करके अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, एच अपान या स्क्वायर ने ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो दूसरा वेवलेंथ मान ले रहे हैं हम, दूसरा वेवलेंथ क्या मान ले रहे हैं कि वो क्या है आपका लेमडा डैश है। कब हो रहा है लेमडा डैश, जब काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना कर दिया जा रहा है, मतलब 2 ME और ई के जगह आप क्या लिख देंगे, ई का 16 टाइम्स कर दिया जा रहा है, मतलब 16 ई। तो अब देखिए 16 लिखा गया है, तो 16 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 करके बाहर आ जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेमडा 1/4 करके आएगा। ठीक, इसको मैं आगे ऐसे लिख रहा हूँ, जब इसको कंपेयर करके लिखेंगे, चूँकि स्क्रीन छोटा है सोचिए थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा आप, लेमडा डैश जो हो जाएगा 1/4 लेमडा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, जो दूसरा वैल्यू आ रहा है लेमडा डैश का, कब ये वैल्यू मिल रहा है, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है 16 टाइम्स हो जा रहा है किसके, प्रीवियस वैल्यू के। तो कह रहा कि चेंज इन वेवलेंथ जो है उसके परसेंटेज टर्म में बताइए, तो चेंज इन वेवलेंथ देखा जाए तो चेंज इन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस लेमडा डैश, तो लेमडा माइनस लेमडा डैश का वैल्यू कितना, 1/4 लेमडा, ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 लेमडा। तो फिर कह रहा परसेंटेज चेंज इन बताइए, तो परसेंटेज चेंज जो होगा वेवलेंथ में वो क्या हो जाएगा, 3/4 लेमडा अपॉन लेमडा इंटू 100। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 75% आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेगा, अगर कहीं पे कोई डाउट होता हो तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, चलिए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वें क्वेश्चन करा कि When the kinetic energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectron emitted from a metal surface increases from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. The work function of the metal is. कह रहा कि अगर kinetic energy जो है incident material का वो 20% increase कर दे रहा है तो जो work function है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन का, कह रहा कि वेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज बाय 20%, कह रहा कि जब कोई
रेडिएशन है उसके काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है हम इंक्रीज कर देना है 20%। ठीक, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है मेटल सरफेस से वो क्या हो रहा है, उसका जो एनर्जी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जा रहा है। तो मेटल का वर्क फंक्शन बताइए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर काइनेटिक एनर्जी जो रेडिएशन का है उसको 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है जो इमिट हो रहा है उसका एनर्जी 0.5 से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जा रहा है। तो उस मेटल का आप वर्क फंक्शन बताइए। देखिए आसान क्वेश्चन है, मान लेना है कि जो पहले एनर्जी था E1 इज्वल टू क्या था, E था। अब फिर क्या हो जा रहा है, जो सेकेंड टाइम्स एनर्जी हो रहा, मतलब जो आगे जो एनर्जी हो रहा है कितना हो रहा है, E का 20% इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब E प्लस E का 20%, मतलब E इंटू 20%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1.2E। क्लियर, अब मैं आगे बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। जो E होता है आपका वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, होता है ना। अब देखिए एक बार काइनेटिक एनर्जी आप क्या रखिएगा, ये देखिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब यहां से एक बार काइनेटिक एनर्जी आप क्या रखिएगा, E रखिएगा और दोबारा क्या रखिएगा, 1.2E रखिएगा। ठीक, ये वैल्यू रखिएगा तथा साथ ही साथ एक बार एनर्जी आप क्या रखिएगा, 0.5 रखिएगा और दोबारा आप क्या करिएगा, 0.8 रखिएगा और दोनों को कंपेयर करके 5 वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा कितना आंसर आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ठीक, आप थोड़ा कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। दूसरा, जब आप अपने खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं तरीका बता दिया हूँ, आप उसको लगाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं जरूर बताऊंगा, आप कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल्स द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है न्यू है किसी भी मटेरियल से, किसी भी मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने के लिए। ठीक, करा कि इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू इम्पिंजेस ऑन द मेटल प्लेट द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए आप फॉर्मूला पढ़े ना कि जो देन द मैक्सिमम पॉसिबल वेलासिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है के मैक्स, ये रिलेशन पढ़ेंगे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये क्या होता है, एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी या ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो जाहिर सी बात है इस टाइम जो इसका वेलासिटी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ई माइनस फाइव। अब देखिए जो इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 न्यू है, तो यह इंटू 2 न्यू कर लेंगे और फाइव की जगह क्या रखेंगे, एच न्यू रख लेंगे, और यहाँ से भी मैक्स का वैल्यू निकालना है। तो जब आप इसको निकाल के सॉल्व करिएगा देखिएगा अंडर रूट 2 h न्यू अपान em आएगा। ठीक, इसका जो वैल्यू है क्या आएगा, अंडर रूट 2 h न्यू अपान em आएगा। ठीक, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसे मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन बता दिया, अंडर रूट 2 h न्यू बाई em आएगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 रेडिएशन ऑफ फोटॉन इनर्जीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली एलुमिनेट अ फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखिए उसी से मिलता जुलता कुछ है, एक बार क्या है आपका जो रेडिएशन है रेडिएशन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखिए ऐसे के ई मैक्स बताया ना, जो के ई मैक्स होता है आपका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो क्या होता है, फाइव माइनस फाइव नाट होता है या ई माइनस फाइव नाट जो आप लिखिए, तो हाफ एम भी वन कर लीजिएगा पहले टाइम पे और उस टाइम पर आप 1 रखिएगा और ये वर्क फंक्शन कितना दिया 0.5, और दूसरे टाइम क्या करेगा हाफ एम वी टू स्क्वायर कर लीजिएगा और फिर क्या करेगा 2.5 माइनस 0.5 कर लीजिएगा और दोनों को सॉल्व करके जब उसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2 मिलेगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, करा कि इन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज।
तो ये देखिए कैसे इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज तभी होगा जब क्या करेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड फिलामेंट। तो उसको जब आप इंक्रीज कर देंगे तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये सब तो आप पढ़े होंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक 10 नंबर क्वेश्चन तक आप देखिए, और वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, जितना ज़्यादा रिस्पांस अच्छा आएगा उतना ज़्यादा आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगा और अच्छा अच्छा लेक्चर दूँगा। ठीक, फिलहाल मैं वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू।